चैनल सो आज हम लोग बात करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आई नो दैट आप लोग इंटरेस्टिंग वर्ड्स सुन के थोड़ा सा गए होंगे जा रहे बट ठीक है सही है ठीक ठाक है सो so, देखो इस टॉपिक का नाम है कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए कितने प्रकार के कैंडलस्टिक्स होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे एंड मोर ओवर जो मुझे लगता है कि पर्सनली ये सब कैंडल्स के बारे में बात करना चाहिए उन्हीं कैंडल्स के बारे में बात किया जाएगा और क्या बहुत शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो का कोशिश करेंगे बनाने के एंड वन मोर थिंग आई नो दैट की बहुत लोग ये बोल रहे हैं की सारा वीडियोज अभी बिगनर्स न्यू के बारे में आ रहा है सो ट्रस्ट मी गाइड ट्रस्ट मी आई एम गोइंग टू मेक अ गुड वीडियो फॉर द द्स

एग्जाम्पल तो के तौर पर अगर यही चीज अगर ग्रीन कैंडल कैंडल ऐसा दिखता कि अगर जब भी आता है तो मार्केट में नीचे से ऊपर बाइंग आता है मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बड़े प्लेयर है आई एम है लॉट ऑफ मनी तो अगर हम सौ रुपए में कोई स्टॉक खरीद रहे तो अगर हम बाय करेंगे तो शायद स्टॉक ऊपर पुष्ट करेगा राइट जैसे स्टॉक पुश करेगा और एग्जाम्पल के तौर पर साढ़े तीन बज गया और मार्केट क्लोज होने का समय हो गया तो वन थर्टी रुपीज में क्लोज हो गया ओके तो हंड्रेड से लेके वन थर्टी आया बाय करने वाले कौन थे बड़े प्लेयर दैट इज मी राइट सो बुलिशनेस आया इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश हैंडल अगर यही चीज कल खुला एक सौ रुपए में और मैंने डिसाइड किया कि कल माल बेच देंगे वापस वापस को माल बेचा जाएगा तो स्टॉक कहाँ जाएगा नीचे की तरफ मान लेते हैं बजे और फिर सौ रुपये में क्लोज हो गया ओके तो ये ग्रीन बन गया या रेड बन बने इसका मतलब हो गया बुलिश कैंडल इसका मतलब हो गया बेरिश कैंडल अब मुझे ये तो समझ में आ गया भैया कि नीचे से बाइंग आ रहा है और ऊपर से सेलिंग आ रहा है क्योंकि हम माल जब बेचे थे तो ऊपर से लेकर नीचे गिरा जब बाइक किए थे नीचे से ऊपर आया तो जितना भी बाइंग आता है ऊपर से नीचे जाता है सॉरी हाँ नीचे से ऊपर जाता है बाइंग में और सेलिंग में क्या होता है नीचे से ऊपर जाता है तो ये कैंडल का बॉडी हो गया ठीक है कैंडल का बॉडी जब हो जाते हैं तो एक और पॉइंट आता है विक विक क्या होता है विक मतलब होता है पुच्छी एक एक टेल रिजेक्शन जो भी बोल सकते हैं एट द एंड इट मैटर्स कि आपका माइंड और आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है राइट तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर एक ऐसा कुछ बना दे तो ये बन जाता है विक. इसे हम लोग विक कहते हैं दैट इज पुच्छी अब ये विक बनता है क्यों है जस्ट एक एग्जाम्पल इसके पीछे लॉजिक समझते हैं सपोज करते हैं कि स्टॉक है और आई एम ए बिग प्लेयर आई एव ऑलरेडी दैट में मैं स्टॉक मैंने खरीदा स्टॉक मैंने खरीदा स्टॉक ऊपर पुश किया वन थर्टी पे मान लेते हैं कि ये जो था हंड्रेड रुपीज हम बाई किए थे मेरे एक और फ्रेंड मिल के बाई किए हम लोग दोनों मिलकर बाई किया दोनों बिग प्लेयर है स्टॉक ऊपर पुश किया एंड अगेन दिस इज अ सपोज सिनारियो ओके तो हम लोग बाई किए स्टॉक ऊपर पुश किया वन थर्टी पे हम लोग डिसाइड किए थे कि वन थर्टी पे आएगा तो प्राइस आएगा और हम लोग माल बेच देंगे तो दोस्त ने मेरे को कॉल किया भाई वन थर्टी पे आ गया और माल बेच देते हैं बट मैं कॉल नहीं उठा पाया एंड वन थिंग जो हम लोग डिसाइड किए थे अगर इनकेस कोई कॉल नहीं उठा पाता है तो अपना माल तुम बेच सकते हो तो जैसे वो माल बेचेगा उतना नहीं बेच इतना नहीं गिरेगा क्योंकि हम लोग जब उठाए तो दोनों मिल के उठाया जाता तो वो वन थर्टी में गया था जब हम लोग बेचे तो एग्जाम्पल के तौर पर वो आ गया वन फिफ्टीन वन वन फाइव ठीक है तो वन थर्टी से लेकर वन वन फाइव का जो डिस्टेंस होता है वो बन जाता है विक क्योंकि सेलिंग आया करेक्ट सेम गंग ऑल्सो जो विक नीचे की तरफ बन जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं बाइंग आया होगा तो हमेशा याद रखना जो विक रिजेक्शन या डेल जब भी नीचे से बनता है वो बाइंग आता है जब वो ऊपर से बनता है वो सेलिंग आता है एज सिंपल एस दट ठीक है तो आज हम लोग पहला करेंगे दो कैंडल ठीक है दैट इज का का दिखता कैसा ऐसा दिखता है एकदम बड़ा सा छोटा सा बॉडी होगा और एक विक होगा विक एटलीस्ट टू विक्स होना चाहिए बॉडी से ठीक है अब यहाँ पर क्या हो रहा है कैंडल अब कलर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है वो रेड बने चाहे वो ग्रीन बने

देख इधर हम लोग गौर करेंगे ना यहाँ पर क्या हो रहा है ये भी काइंड ऑफ हैमर है बट हम गौर करें हम लोग तो पड़े तो विक तो नीचे से होता है मगर विक तो ऊपर से भी है तो प्रैक्टिकली ना ये टाइप का कैंडल जो विक ऊपर से होता है ऊपर से नहीं होता है वो थोड़ा कम दिखता है बट इन केस मान लो कि ऊपर के विक से विक है नीचे का भी विक है तो दोनों के साइड से विक देख लेना कि बड़ा किसका है दैट इज अगर नीचे का विक ज्यादा बड़ा है तो समझ जाना कि बाइंग थोड़ा ज्यादा होगा बट दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल सी दिस इज अल ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ हैमर ये वाला ओके okay. अब इसी चीज को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो बन जाता है थौर का हतौड़ा गिर गया जब थॉर का हतौड़ा गिर जाएगा तो कैसा दिखेगा ये ऊपर से विक होगा अगर ऊपर से विक होगा मतलब सेलिंग प्रेशर आएगा अगेन सब कुछ सेम कलर मैटर नहीं करता है कम से कम बॉडी का टू होना चाहिए विक ठीक है तो यहां पर अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे ये कैंडल ये बन जाता है आपका शूटिंग स्टार ये वाला दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल कलर मैटर नहीं करता रिएक्शन कहाँ बना ऊपर बना ओके okay? इसी चीज को हम लोग बोलेंगे शूटिंग स्टार इस चीज को हम लोग बोलेंगे हाँ अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी दो तीन कैंडल्स जो बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है और इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट होता है और किस तरीके का यूज करना है यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो जनरली लोग समझाते नहीं जो हम इस वीडियो में समझाएंगे स्टेट यून गाइज अभी बस आईज ट्रेन करो कि कैंडल दिखता कैसा है ओके कहीं भी दिक्कत होगा डीएमए एक तेरा एक मेरा दो तेरा दो मेरा हाँ। तीन तेरा बराबर तीन मेरा बराबर फिफ्टी फिफ्टी हाँ। बराबर है एवरीथिंग ओके ओके नो चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई नहीं नहीं यू आर ग्रेट